हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी ले चुका है, ट्रैक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, ये यानी कि उनकी डीप फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, जो भी आपके दिल दिमाग में है वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आज उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। और पहली बार चैनल पे आए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके जाइएगा, फॉलो भी करके जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की डीप फीलिंग्स क्या है। ब्रेक थ्रो, किसी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपने को बांध के रखा है, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि या तो किसी ने इनको बात के रखा है, या फिर इन्होंने खुद ही अपने को बात के रखा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ऐसा होता है ना कि दबाना छुपाना दुनिया से, अब क्यों दबा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, वो तो क्लियरफाई करेंगे तभी पता चलेगा। पर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ तोड़कर, सब कुछ छोड़कर अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि यहां पर सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड नेक्स्ट निकला है, जो कि दिखा रहा है कि इनको एंजाइटी हो रही है, जो कि दिखा रहा है इनको डिप्रेशन हो रहा है। डेफिनेटली देख लो भाई कैसे कार्ड आ रहे हैं, सप्रेशन, जो कि ऐसा दिखा रहा है ना इनको मानसिक विकार, बहुत बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन, बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन होता है ना यहाँ पर, बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके बिना। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे, दबा रहे हैं, किस वजह से, किस लिए, हम वो बाद में देखेंगे। ठीक है, क्लियरफाई करने के बाद। पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट हो गया इनके माइंड में। ऐसा दिख रहा है कि आइसोलेट कर लिया, पता नहीं नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा घिर गए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आइसोलेशन का कार्ड है, डेफिनेटली आइसोलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं लड़ते हुए दिख रहे हैं, या तो अपने से लड़ रहे हैं, या किसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, या फिर आपसे लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है, क्लियरफाई करके। पर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स को तो ये मिरर कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो, एग्जैक्टली इंसान भी वैसा ही फील कर रहा है या कर रही है। ठीक है, मुझे यहां पर 11 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे फैब का मंथ यहां पर दिख रहा है, मार्च का मंथ दिख रहा है, मुझे यहां पर जुलाई दिख रहा है, सेप्टेम्बर दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है। ओके, ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं आप लोगों से कैसे भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे बर्थ का मंथ आपका, आपके पार्टनर का, या फिर एनिवर्सरी, ब्रेकअप, किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं ये मंथ्स और नंबर्स। ओके ओके, तो ये कुछ नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, क्या एनर्जीज निकल के आती है। देखो गाइस, ये ऑल ज्योतिष साइन रीडिंग होती है, मैं आपको ज्योतिष साइन भी बताऊंगी, ठीक है, जो मेजरली मुझे दिखेंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर ब्रेक थ्रो का कार्ड क्यों है, व्हाई ब्रेक थ्रो इज हियर, क्यों है यहाँ पर ब्रेक थ्रो का कार्ड। द स्टार, तो ऐसा दिख रहा है, मैंने बोला ना इनको दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। ठीक है, दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक्शन भी लेना चाहते हैं, सबको छोड़ करके बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। अब ये क्यों दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो, इन्होंने दूरियां बनाई खुद आपसे, इसीलिए किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी में चले गए, या कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है कि इनको लगता था ना वो इंसान सही है, उसके साथ इनका कनेक्शन सही है, इसीलिए आपसे दूरियां क्रिएट करी, आपसे इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया। अभी क्या हो रहा है ना कि वो इंसान इनका दिल तोड़ रहा है या तोड़ रही है, मेल फीमेल जो भी आप दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन आपको पता होगा, अब वो दिल तोड़ रहा है, वो इनके साथ गलत कर रहा है या कर रही है, जिस वजह से ये अपने को, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, उसने, देखो इन्होंने आपका दिल तोड़ा और ऐसे इनका दिल तोड़ा उसने, समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपकी तरफ लौट
निपटना चाहिए, यही मजबूर हो रहे हैं। आपकी तरफ एक्शन तो बहुत जल्दी लेना चाहते हैं क्योंकि द चैरियट का कार्ड है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा दिख रहा है एक्शन लेना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपका प्यार इनको याद आ रहा है। कहीं ना कहीं आज आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हो। आपका नेचर, आपकी केयर, हर चीज आपसे रिलेटेड इनको याद आ रही है। पर क्या है ना, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों ही माफ करोगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम किसी मुझको छोड़ के गए किसी और के पास, तो फिर अब क्यों माफ करूंगी मैं। मतलब आप भी यही सोचते होगे ना, या करूंगा मैं, जो भी हो आप मेल फीमेल। तो इनको यही फील हो रहा है कि अब वो माफ नहीं करेगी या नहीं करेगा, तो या हो रहा है कि सब कुछ छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहिए, सब कुछ छोड़ दूं और आ जाऊं उसके पास, समझ रहे हो। इसीलिए कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए दूरियां बहुत फील हो रही है इनको, और ये दूरियां इन्होंने खुद ही क्रिएट करी है। ठीक है, सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो या ऐसा दिख रहा है मुझे कि इनका अब इनको ना टेंशन हो रही है क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, और कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया, छुरा घोपना, आपके पीठ पीछे झूठ बोलना, ये सब किया है। तो आज टेंशन हो रही है कि आप जैसा इंसान इन्होंने खो दिया, अपनी गलतियों की वजह से मैंने उसको खो दिया, ऐसा फील हो रहा है। इसलिए इनको बहुत एंजाइटी हो रही है क्योंकि इनको ऐसा भी फील होता है कि अब चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब कभी कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि ये गलतियां ना बार बार रिपीट करते हुए आए हैं। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि आपने बार बार माफ किया, अब आपने जैसे मानो फुल स्टॉप लगा दिया कि बस हो गया, अब मैं नहीं चाहती या चाहता कि तुम ऐसा दोबारा करो। तो कहीं ना कहीं आपने फुल स्टॉप लगा लिया, जिस वजह से इनको पता है कि अब आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप नहीं चाहते ये आपकी लाइफ में आए, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड क्यों है, ओके, तीन कार्ड गिरे हैं तो चलो ले ही लेते हैं। देखो बहुत ज्यादा इनके ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, फैमिली की हो सकती है या कुछ बर्डन सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सा दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इनके साथ चीट हो रहा है। या डेफिनेटली सेवन ऑफ सोल्स का कार्ड है। देखो इन्होंने तो आपके लिए तो एनर्जी आ गई है कि चीट किया है, पर मुझे इनके साथ भी चीट होते हुए दिख रहा है। डेफिनेटली इनके साथ चीट हो रहा है ना, जिस वजह से, जैसे मैंने बोला कि आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, कुछ ऐसा सीन हो सकता है जिस वजह से इनके साथ भी चीट हो रहा है, और बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, और मतलब घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, घुटना होता है ना, ऐसा रियलाइजेशन कि देखो मैंने उसको छोड़ दिया किसी और के लिए और आज मेरे साथ क्या हो गया। कुछ सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और इतना ज्यादा गिल्ट दिख रहा है कि इतना घुट रहे हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। डेफिनेटली घुट रहे हैं, इनको बुरा, इनको फील हो रहा है कि इनने कितना बड़ा गलत कर दिया, इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मतलब आज तक की मेजर मिस्टेक, आज तक की लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है, यहां पर द फूल। कहीं ना कहीं बहुत सोचते हैं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, बहुत सोचते हैं कि आप कितने लॉयल थे, बहुत सोचते हैं आपने कितना प्यार किया था, बहुत सोचते ही रहते हैं, बस ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बस आप ही इनके ख्यालों में आते हो। पर कहीं ना कहीं ये ईगोइस्टिक इंसान भी है, इन्होंने बहुत ईगो दिखाया है आपको, और या प्यार तो उतना नहीं जता पाए जितना ईगो जता दिया, आज हैंग फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है ना कि पहले आप बहुत प्यार करते थे, और इनको यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि अब आप भी ईगो दिखा रहे हो, अब आप ईगो में बैठ गए हो, अब आप नहीं आना चाहते या इनको इग्नोर कर रहे हो, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये ईगो में आ चुके हैं कंप्लीटली, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ईगो में आ चुके हो। आपकी राशि एरीस हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब आपको कोई मतलब नहीं है इनसे। देखो आप ऐसा प्रिटेंड हो सकता है कर रहे हो, या फिर इनको ऐसा फील तो हो रहा है, इसीलिए आइसोलेटेड मुझे दिख रहे हैं ये, बंद कर लिया है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं अपनी गलती पर, ठीक है। यहां पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूं कि देखो ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, और इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि काश आप ही कर लो एक नई शुरुआत, आप आ जाओ सामने से, क्योंकि आज तक
आप ही आए हो, आप ही ने मनाया है, आप ही ने संभाला है ये रिश्ता, तो ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ। पर आप क्यों आओगे भाई, गलती इनकी थी, गलती इन्होंने किया है, तो फिर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आओ। पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये डेफिनेटली, ठीक है। पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आ जाती या आ जाता तो मैं उसको एक प्रॉमिस करता या करती, या फिर मैं कमिटमेंट देता या देती, काश वो आ जाता। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको झुकना ना पड़े और आप भी आ जाओ। मतलब वो कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सुना है आपने? यानी कि इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपके साथ दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करने का, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने का। और ऐसा लग रहा है कि ईगो तो है ही इस इंसान पर ना, तो इस ऐसा लग रहा है कि वो ही आ जाए और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हम करें। मतलब ना इनको खुद से जाना पड़े, आप भी आ जाओ, एक स्टार्टिंग भी हो जाए, समझ रहे हो? पर नहीं, अब आपको नहीं करना है। अगर अब आप झुक गए ना, तो फिर हमेशा आपको ही झुकना पड़ेगा, फिर वो चीजें दोबारा रिपीट होंगी। आपको नहीं झुकना है, वेट करो, यही आएंगे आपके पास, रोते बिलखते ना, यही आएंगे, ठीक है। फाइटिंग का कार्ड यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है, फाइटिंग क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। फाइटिंग का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पैंटिकल्स, देख रहे हो आप, बहुत ईगो के चक्कर में इनकी लड़ाई हो रही है, और आपसे तो हुई हुई अभी करंटली, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, लड़ाई तो डेफिनेटली हो रही है भाई, किसी थर्ड पार्टी से। ओके, या डेफिनेटली देखो, आपसे तो हुई हुई अभी तो हो सकता है आपसे चल रहा है इनका लड़ाई झगड़ा, वैसे तो कम ही एनर्जी दिख रही है। अगर करंटली ऑन ऑफ करते हैं आपके पार्टनर, तो हो सकता है आपसे भी हो रही है, आपको पता होगा ये तो ना। तो मुझे ज्यादातर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला है। और क्यों हो रही है बताओ, क्योंकि इनको अब सच, इनके सामने ना इनकी जो पट्टी थी ना, एक वो खुल गई है, इनको सच सामने दिखने लगा है। और सबसे बड़ी बात इसी वजह से, क्योंकि वो ना इनको डोमिनेंट करती है या करता है, या आपके बारे में कुछ उल्टा सुलटा बोलती है या जो भी है ना, आज उससे इनकी लड़ाई मुझे दिख रही है, ठीक है। डेफिनेटली अच्छा है, बहुत बुरा किया है इन्होंने आपके साथ, होने दो लड़ाई भाई। प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर प्रोजेक्शन क्यों है? तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, देखो आप भी बहुत स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, और ये भी, दोनों ही, यस डेफिनेटली, आपको ऐसा लगता है ये आएगा तो फिर झूठ बोलेगा, चीट करेगा या करेगी जो भी आपके पार्टनर। और पहले तो कितना, कितनी प्रॉब्लम से आएगा या नहीं आएगा, कितना कितना स्ट्रगल है इस कनेक्शन में, कितने चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में, आप ऐसा महसूस करते हो, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो एज सेम एज इट इज आपके पार्टनर भी ऐसे वही फील करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है आपकी तरफ आने के लिए, समझ रहे हो? मतलब इनको भी बहुत मुसीबत आने वाली है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी नहीं मान रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी ईगो इनका, इनको फील हो रहा है, ठीक है। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि पहले आप चेज करते थे, आप आ जाते थे, अभी आप नहीं आ रहे हो, इसीलिए इनको फील हो रहा है। तो यस, दोनों ही आप सोच रहे हो कि पता नहीं वर्कआउट होगा नहीं होगा, पर दिल से तो दोनों ही चाहते हैं कि आप भी चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ जाए, और ये भी चाहते हैं, ये आप दोनों ही मतलब आना चाहते हैं एक दूसरे की लाइफ में, ठीक है। यस, ये चीजें दिख रही हैं, चाहते दोनों ही हो, हालांकि दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दोनों ही ईगो में बैठे हो, ना ये दिखा रहे हैं ना आप दिखा रहे हैं, पर हाँ चाहते दोनों ही हो, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं यूनिवर्स। ओके, मैंने उल्टा डेक पकड़ लिया है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, जो ये नहीं बता रहे हैं और फील लेकिन कर रहे हैं, बताइए। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग यू, मैंने कहा ना, ये आपको डाउट करते थे, आपको बुरा ट्रीट करते थे जब भी आप इनके साथ रिश्ते में थे, तो आज उस चीज का गिल्ट फील हो रहा है। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है या घूम रही है, और ये इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं ना। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, मैं आशा करता हूं या करती हूं कि तुम मुझे जल्दी माफ कर दोगी या कर दोगे, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। यहां पर है आई फील अटैच टूवर्ड्स यू, मैं तुम्हारे तरफ अटैचमेंट फील कर रहा हूं या कर रही हूं, मतलब अट्रैक्शन, सॉरी अट्रैक्ट, हाँ अट्रैक्शन फील कर रहा हूं, ठीक है। अटैचमेंट अट्रैक्शन दोनों ही ये फील कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट, इनको आज याद आ रहा है वो दिन जब आप दोनों पहली बार मिले थे, ठीक है, वो चीजें इनको याद आ रही है आज।
आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन, मैं दोबारा तुमसे प्यार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बार बार तुम ही मेरी लाइफ में हो, बार बार तुम्हारे प्यार में मैं पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।